Hello, hi everyone. Today we are going to check out a video by Ising titled Adani Group Stock Manipulation Case, New Twist in Adani Group vs. Hindenburg. Let's jump to the video. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसिंक और मैं हूं आपका दोस्त भरत शंकर। तो रिसेंटली अडानी ग्रुप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आपको पता होगा कुछ टाइम पहले हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के ऊपर एक रिपोर्ट निकाला था और उस रिपोर्ट में उन्होंने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे और इन एलिगेशन के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट के बहुत सारे एजेंसीज ने भी इन्वेस्टिगेशन किया था और अपने रिपोर्ट को उन्होंने अथॉरिटीज को सबमिट किया था। लेकिन अभी इस केस में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है, जहां पर जिन एजेंसीज ने अडानी ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया था, अब उन्हीं गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं और उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जहां पर अडानी ग्रुप के जो पुराने कंप्लेंट्स है उन्हें फिर से री इन्वेस्टिगेट करने के लिए मांग किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ये भी बोला जाता है कि अडानी ग्रुप में जो स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन के एलिगेशन लगाए गए हैं उसके बारे में 2014 में ही गवर्नमेंट अथॉरिटीज को अलर्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद भी इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। और सिर्फ यही नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसके ऊपर अभी फिर से अडानी ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मांग किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में एक बहुत ही डीप और डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। और ध्यान में रखिए, जो भी हम इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं वो सारे इंटरकनेक्टेड है, तो इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, आज की वीडियो में जो हम इन्फॉर्मेशन और डेटा प्रेजेंट करने वाले हैं वो मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है और ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है और मैं इसी पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। और जो न्यूज आर्टिकल है जहां से मैंने इन्फॉर्मेशन लिया है या जो मेरे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उस न्यूज आर्टिकल का लिंक भी आपके रेफरेंस के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। और उसके साथ साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो जो वीडियो के ऊपर लाइक बटन इसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको और भी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स डेली बेसिस पे चाहिए तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हमारे कम्युनिटी में हम ऐसे बहुत सारे यूजफुल और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जहां पर हम फाइनेंशियल ट्रेंड्स, मार्केट मूवमेंट्स के रिलेटेड डीप डाइव डिस्कशंस और बहुत सारे प्रैक्टिकल और यूजफुल लर्निंग इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप ऐसे यूजफुल क्विक कम्युनिटी पोस्ट में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल के ऊपर जो ज्वाइन बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो वन ऑफ द पेटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में ये क्लेम किया है कि जो सेबी है उन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर प्रीवियस यानी पहले भी इन्वेस्टिगेशंस किए थे, लेकिन हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने के बाद जो इन्वेस्टिगेशंस किए गए थे वहां पर सेबी ने इन प्रीवियस इन्वेस्टिगेशंस के कई सारे ऐसे फैक्ट्स को छुपा दिया था जो अडानी ग्रुप के अगेंस्ट थे। और उसके साथ साथ ये पेटिशनर ये भी क्लेम करता है कि सेबी ने कुछ रेगुलेशंस को भी ट्वीक किया था या चेंज किया था ताकि अडानी ग्रुप के जो रेगुलेटरी इश्यूज थे या प्राइस मैनिपुलेशन के इश्यूज थे वो अनडिटेक्टेड रहे और दुनिया के सामने ना आए। और अभी इन्हीं एलिगेशंस के रिलेटेड ये पेटिशनर अडानी ग्रुप के अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन डिमांड कर रहा है और ये मांग कर रहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो अडानी ग्रुप के ऊपर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोप लगाए थे उन एलिगेशंस को फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाए। अभी तक जो हमने डिटेल्स डिस्कस किए हैं ये सारे डिटेल्स 2 दिन पहले जो एफिडेविट फाइल किया गया था वहां से निकल के आता है और इसको फाइल किया था अनामिका जायसवाल। और इस एफिडेविट में वो ये बताते हैं कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया गया था और इस इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट किया था डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस या DRI ने, जहां पर अडानी ग्रुप के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि अडानी ग्रुप अपने UAE बेस्ड सब्सिडरी से जो इक्विपमेंट्स और मशीनरीज को इंपोर्ट करता है उसका वैल्यूएशन वो जानबूझ के ओवर वैल्यूएट करता है या उसको वो ओवर वैल्यूएशन करता है, ऐसा उनके ऊपर आरोप था और इसीलिए DRI ने उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन बिठाया था। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट आने के बाद जो रिसेंट इन्वेस्टिगेशंस अडानी ग्रुप के ऊपर बिठाए गए थे वहां पर अनामिका जायसवाल ये क्लेम करते हैं कि सेबी जो मार्केट रेगुलेटर है उन्होंने DRI के इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोर्ट को इन्फॉर्म नहीं किया है या कोर्ट को नहीं बताया है। और इस एफिडेविट में वो ये भी बताते हैं कि जनवरी 2014 में DRI ने सेबी के चेयरपर्सन को एक लेटर लिखा था और उस टाइम सेबी के चेयरपर्सन थे UK सिन्हा और DRI के इस लेटर में उन्होंने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन के बारे में सेबी को अलर्ट किया था और उस लेटर के साथ साथ DRI ने एक CD या कॉम्पैक्ट डिस्क भी भेजा था जिसमें 2,323 crores के साइफनिंग ऑफ का एविडेंस मौजूद था। इस एफिडेविट में ये भी बोला जाता है कि इतने सारे प्रूफ होने के बाद भी उस टाइम के सेबी के चेयरपर्सन UK सिन्हा जी ने इस इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर दिया था, बल्कि उन्हें एक्चुअल में DRI के इन इनपुट्स के बेसिस पे एक्ट करना था और अडानी ग्रुप के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करना था, ऐसा इस पेटिशनर के एफिडेविट में बोला जाता है। और उसके बाद अनामिका जायसवाल जी ये भी बताते हैं कि या यूं मान लीजिए पॉइंट आउट करते हैं कि UK सिन्हा जी एज सेबी चेयरपर्सन रिटायर होते हैं मार्च 2017 में और अभी वो NDTV के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। एंड गेस व्हाट, NDTV को अडानी ग्रुप ने 2022 में एक्वायर किया था।
और इस एफिडेविट में ये भी बोला जाता है कि DRI ने जनवरी 2014 में सेबी के चेयरपर्सन को लेटर सेंड किया था और अडानी ग्रुप के स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन के बारे में अलर्ट किया था, लेकिन अभी तक सेबी ने DRI के इस लेटर को डिस्क्लोज नहीं किया है और जो एविडेंस DRI ने सेंड किया था उसको टिल डेट उन्होंने कोर्ट के सामने पेश नहीं किया है। और उसके बाद वो सेबी के एक प्रीवियस स्टेटमेंट को भी पॉइंट आउट करते हैं जहां पर सेबी ने ये बोला था कि उन्होंने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन जून और जुलाई 2020 में स्टार्ट किया था, लेकिन जायसवाल जी के एफिडेविट के अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टिगेशन 2014 में स्टार्ट होना था। और उसके अलावा जायसवाल जी इस एफिडेविट में ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या CBI ने भी अडानी ग्रुप के मैटर में उनका जो प्रोब है उसको शट डाउन कर दिया था क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उन्हें इस प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन ग्रांट नहीं किया था। यानी जायसवाल जी के एफिडेविट के अकॉर्डिंग जो मेन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थे सेबी और CBI, इन दोनों गवर्नमेंट एजेंसीज को वो इस एफिडेविट में पॉइंट आउट करते हैं। और बात यहीं पर नहीं रुकता है, इस एफिडेविट में जायसवाल जी ये भी क्लेम करते हैं कि अगर सेबी अडानी के मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। और इस एफिडेविट में वो ये भी बताते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा। तो सेबी ने एक कमेटी बनाया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए और ये कमेटी इनसाइडर ट्रेडिंग के जो ऑफेंसेस होते हैं या मामले होते हैं उनको देखता है। और जायसवाल जी इस पॉइंट के ऊपर भी स्ट्रेस करते हैं कि अभी जो 24 सेबी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स है उसमें से 5 रिपोर्ट्स अडानी ग्रुप के अगेंस्ट इनसाइडर ट्रेडिंग के रिलेटेड है। यानी अभी सेबी के जो 5 इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स है जो अडानी ग्रुप के इनसाइडर ट्रेडिंग के रिलेटेड है उनका इन्वेस्टिगेशन सेबी का जो कमेटी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वो करेगा। तो अभी सेबी का ये जो कमेटी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इसमें एक मेंबर है जिनका नाम है सिरिल श्रॉफ और सिरिल श्रॉफ की जो बेटी है वो मैरिड है करण अडानी के साथ जो कि गौतम अडानी के बेटे हैं। यानी सिरिल श्रॉफ और गौतम अडानी संबंधी है जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के केसेस को सेबी के ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी इन्वेस्टिगेट करता है तो ये एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ऐसा जायसवाल जी ने अपने एफिडेविट में बताया है। एंड जस्ट टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन, सेबी का ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी है इसको सेबी ने 2017 में बनाया था और इस कमेटी में 23 अदर मेंबर्स है जिसमें बैंकर्स, एंटरप्रेन्योर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और कॉर्पोरेट लॉयर्स शामिल है। एंड ऑफकोर्स रिसेंटली सेबी ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना एक फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को ये रिपोर्ट फाइल करने के लिए मार्च 2nd 2023 को ऑर्डर किया था। और अभी सेबी ने ये जो फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट सबमिट किया है वहाँ पर वो ये बोलते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बेसिस पे जो 24 इन्वेस्टिगेशन इन्होंने किए थे उसमें से 22 इन्वेस्टिगेशन फाइनल इन नेचर है और 2 इन्वेस्टिगेशन इंटरिम इन नेचर है। और अभी तक अगर आप इस पूरे मामले में अडानी ग्रुप का स्टैंड देखेंगे तो उन्होंने हिंडनबर्ग को एक अनएथिकल शॉर्ट सेलर बुलाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हिंडनबर्ग ने अभी तक जो भी बताया है वो झूठ के अलावा कुछ नहीं है। एंड ऑफ कोर्स ये अडानी ग्रुप का स्टैंड है, लेकिन इस पूरे मामले में आपका स्टैंड क्या है, आपका ओपिनियन क्या है